हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजल स्मार्ट मॉम। एंड मैं हूँ प्रीति, आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में। तो आज हम लोग बनाएंगे आलू मटर की सब्जी एकदम हलवाई स्टाइल में। बेसिकली ये एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है, को लंच डिनर कभी भी खा सकते हैं। बहुत ही कम मसाले और कम टाइम में बन के ये रेसिपी तैयार होता है। आप इसको उपमा, पूरी, पराठा, डोसा, इडली, बड़ा सभी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। करीब 200 ग्राम मटर मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था, 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करके। नमक और हल्दी के साथ 2 सीटी लगा लेते हैं। हाँ, इसमें 2 आलू भी मैंने ऐड किया है। अब कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा 5 फूटन डालेंगे। ये अच्छे से हो जाए फिर प्याज, लहसुन और अदरक को हमने दरदरा कूट लिए हैं, देख सकते हैं। इसी तरह इसको पेस्ट नहीं बनाना है, आप अगर पेस्ट बना के डालते हो तो भी अच्छा बनेगा, लेकिन ये जो कूटे हुए मसाले का टेस्ट ये अलग ही है। तो मैंने यहाँ पे कूट के ये मसाला ले लिया है, इसको भी ऐड कर देते हैं। और अच्छे से इसको चला लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। एक चम्मच नमक ऐड करेंगे। एक चम्मच हल्दी। अच्छे से चला लेते हैं इसको। फिर मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच। आप चाहे तो मिर्ची पाउडर भी ले सकते हैं, मेरे पास मिर्ची का पेस्ट था तो मैंने उसको ऐड किया है। अच्छे से 5 मिनट तक इसको भून लेंगे। फिर इसमें हम लोग 1/2 चम्मच करी पाउडर ऐड करेंगे। बस मसाला हमारा इतना ही है और कुछ मसाला नहीं ऐड करना है। आप चाहे तो धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ नहीं ऐड किया है। बस यहाँ पे 1 चम्मच बेसन ऐड किया है, ये देख सकते हैं। बेसन को हम मसाले में ही डालेंगे, इससे जो हमारा करी का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे तो उबले हुए आलू हैं और ऊपर से बेसन है तो बहुत ही एक अच्छा, मतलब मोटा ग्रेवी बन के तैयार होता है। फिर यहाँ पे उबले हुए मटर हमने ऐड किया है। मटर डालने के बाद उसको 5 मिनट तक अच्छे से हम लोग चला देंगे। और मटर को हमने एकदम नरम कर लिया है, पूरे 100% कुक ही था मटर। और उबले हुए आलू ऐड कर देते हैं, उसको करछी की मदद से वही कढ़ाई में ही तोड़ लेंगे उबले हुए आलू को। अब इसमें हम लोग पानी ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है और अच्छे से इसको चला देते हैं। ये सारे सब्जी पके हुए हैं, मटर हमारा 100% कुक्ड था, आलू भी, तो हमको और कुछ कुक करने का ज़रूरत नहीं है। बस ये हमारा रस अच्छे से पक जाए तो करी बन के तैयार हो जाएगा। अब हम लोग गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और 5 से 10 मिनट तक हमारा आलू मटर करी को पकाएंगे। ये देखिए हमारा आलू मटर का करी करीब करीब बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें कुछ नहीं ऐड करना है। ज़्यादा मसाला डालने से हमारा जो सब्जी है वो अच्छा नहीं बनता है। सब्जी का एक जो ओरिजिनल एक टेस्ट होता है, एक ओरिजिनल स्मेल होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो हमको और कुछ नहीं डालना, बस थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ऐड किया है। और ये हमारा आलू मटर का करी हो गया बनके तैयार, बिल्कुल हलवाई जैसे।
तो आप इसे गरम गरम सर्व कीजिए इडली वड़ा डोसा के साथ, ये बहुत टेस्टी लगता है उपमा के साथ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।